हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की मैथ की वीडियो है और क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की मैथ की वीडियो का आज आपका है डे 22। और डे 22 पर हम बुक का पेज नंबर 152 पर एक्सरसाइज 15.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आज आपका डे 22 पर है, पेज नंबर 152। कन्वर्ट द फॉलोइंग, आपको बदलना है इनको, इसमें बदलना है, चेंज करना है 9 ग्राम इंटू किलोग्राम। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब अपन को क्या चाहिए, 1 ग्राम में तो कितना हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। अपने को कितना दिया है, 9 ग्राम दिया है, तो 9 ग्राम को अपन चेंज करेंगे तो 9/1000 और ये आ जाएगा आपका 0., देखिए 1, 2, 3, 0। तो 3 0 अपन 9 के पहले लगाएंगे तो पहले तरीके लिए 9, एक नंबर तो हो गया। अब अपन को 2, 3 पॉइंट बाद 0 लगाना है, 1, 2, 3। तो एक तो है तो 2 अपन खुद लगा सकते हैं 0 और ये लग गया, तो 1, 2, 3 के बाद क्या लग गया, पॉइंट लग गया, ये हो गया आपका केजी। नेक्स्ट है आपका 3 kg 75 ग्राम। 3 kg 75 ग्राम को अपन को केजी में चेंज करना है। देखिए 3 kg तो पहले से केजी में, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, और 75 ग्राम में क्या कर देंगे, 1000 का डिवाइड लगा के अब ये केजी हो जाएगा। अब इसको अपन 3 kg प्लस 75, यहाँ पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 1, 2, 3, तो 2 डिजिट तो ये रही और 1 डिजिट अपन लगा लेंगे, तो 0.75 ये आपको जोड़ोगे तो आएगा ये 3.075 kg। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। ये सी है आपका 2 kg 5 hectogram, यानी 2 kg 5 hectogram 4 decagram 3 ग्राम, तो ग्राम में चेंज करना है। तो देखिए 2 kg को ग्राम में चेंज करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। कल आपको एक टेबल बनवाई थी उसके हिसाब से है ये। 2 kg को किसमें चेंज करें, ग्राम में, तो 1000 से। प्लस 5 hectogram को करते हैं तो 5 hectogram को ग्राम में चेंज करते हैं तो 100 से। 4 decagram को ग्राम में चेंज करते हैं तो 10 से। और 3 ग्राम को ग्राम में ही है तो इसको 1 से कर लो, या 3 ग्राम को ग्राम छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 और 1, 2, 3, 0 प्लस 5 × 5 और कितनी 0 2 0, 4 × 4 और 1 0 और 3 × 3 ये आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे आएगा आपका 2543, यानी कि 2543 ग्राम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, आपको मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है। तो हम जानते हैं 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर। अब अपन को क्या दे रखा है, मिलीलीटर दे रखा है, तो हम 1 मिलीलीटर में निकालेंगे 1/1000 लीटर। आपके पास कितना है, 40 मिलीलीटर, इसको चेंज करोगे तो 49/1000 लीटर। अब इसको चेंज कर लेना, 1, 2, 3 तीन डिजिट और पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट तो आपके पास है 49, तो 1 डिजिट हम लगा देंगे, ये हो गया 0.49 लीटर। नेक्स्ट है आपका 91 लीटर 85 मिलीलीटर इंटू मिलीलीटर, यानी आपको मिलीलीटर को चेंज करना है इस पूरे को। तो देखिए ये तो मिलीलीटर में है, इसको नहीं करेंगे हम चेंज, 91 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं, तब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से, और प्लस 85, ये हो जाएगा आपका 91000 प्लस 85, आपका आंसर आएगा 91085 मिलीलीटर। सी है आपका 8125 मिलीलीटर इंटू लीटर एंड मिलीलीटर, यानी 8125 ये आपका मिलीलीटर है, इसको आप लीटर में चेंज करोगे तो किसका डिवाइड लगाओगे, 1000 का डिवाइड लगाओगे, तो ये किसमें हो जाएगा आपके लीटर में, 1, 2, 3 तीन डिजिट पर पॉइंट लगाना है, तो 8125 तीन डिजिट पर, 1, 2, 3 तो तीन डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे। अब मैंने पहले बताया था पॉइंट के इधर वालों को तो हम क्या लिखते हैं, लीटर, तो 8 लीटर, और उधर वाले को पॉइंट के उधर वालों को क्या लिखते हैं, मिलीलीटर, 1.25 मिलीलीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे डे 23 पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5। टिल देन माय गाइस, थैंक यू।